गोश्त का अचार, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख के बना सकते हैं। तुवर की खट्टी दाल, वाइट राइस कोफ्ते, वीडियो देखिए और ज़रूर बनाइए। माशाल्लाह सारी चीज़ें ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ हैदराबादी लंच कॉम्बो। हैदराबादी लंच कॉम्बो में इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तुवर की खट्टी दाल, कोफ्ते, वाइट राइस। कोफ्ते के लिए आधा किलो खीमा लिए, चाहे तो आप मटन भी ले सकते। अब इसमें डालेंगे 2 टीस्पून नमक है, 2 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले में 4 चीज़ें हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी कोथमीर और थोड़ा सा पुदीना, 2-3 हरी मिर्चियाँ तोड़कर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है, आप स्पाइसी खाते तो हरी मिर्ची, लाल मिर्ची को थोड़ा सा बड़ा ले सकते हैं। ये 100 ग्राम चने की दाल, इसको धो के रख ली मैं, इसको धो के रख ली। अब इसमें सारी चीज़ों को हम मिला देंगे और 1 कप पानी डालेंगे, कुकर में डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगा के इसको गला लेंगे। अब इसमें छोटी साइज की प्याज डालेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून। अब इसका ढक्कन लगा के इसको गला देंगे। चलिए ये गल गया, खीमा हमारा निकाल ली। अब इसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा ठंडा हुए बाद मैं बताऊंगी इसमें क्या डालना है। 1 किलो चावल है, इसको वॉश कर लिए 2-3 पानी से। उसके बाद इसमें साफ पानी डाल के 2 चम्मच नमक डाल के तेज फ्लेम पे रख देंगे। अब इसको कवर कर देंगे, बीच बीच में मिलाते जाएंगे। 90% कुक होना, बिल्कुल हल्के से कनी रहती है। जब इसको निथार के 4-5 मिनट के लिए दम देंगे। 100 ग्राम तुवर की दाल, इसको धो दी 2-3 पानी से धो के। इसमें 1 गिलास पानी यानी 1.25 लीटर पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ दिए। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे 4 छोटे साइज का टमाटर है, अगर बड़े साइज के रहे तो 2-3 ले सकते हैं आप। और 4-5 हरी मिर्ची को बीच से स्लिट कर लेके इसके बीज निकाल लिए, और थोड़ा सा करिया पक्के पत्ते, और इसके लिए 1 मुट्ठी इमली को भीगने के लिए छोड़ दी। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाते तो 1 मुट्ठी लेना, अगर खट्टा कम खाते तो थोड़ी सी कम कर लेना। अब एक कुकर रखती है, इसमें दाल डाल देंगे। अब ढक्कन लगा देंगे, 4-5 सीटी होने देंगे। 4-5 सीटी होने के 5 मिनट धीमे पर रखकर चेक कर लेंगे। चलिए ठंडा हो गया, अब इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस, 1 साबित अंडा। साबित अंडा डालेंगे, इससे अंडे की स्मेल नहीं आती, आप बेफिक्र होकर डाल सकते हैं, इसमें अच्छी बैंडिंग आती। अब थोड़ा सा कोथमीर पुदीना, इसको अच्छे से मैं मिला ली, ग्राइंड कर लेंगे। चलिए हमारे कोफ्तों का बैटर तैयार हो गया। हाँ, चावल हमारा तैयार हो गया, 90% ये कुक हो गया। अब इसको निथार लेंगे, दाल हमारी गल गई। अब इसमें 2 टीस्पून नमक डालेंगे, नमक मैं गलते वक्त नहीं डालती हूँ, उससे दाल गलने टाइम लगता। अगर नमक डाल के गलाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए गली पर डालना। अब इसको अच्छे से घेट लेंगे। इसको खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसको खुले बर्तन में निकाल दिया और तेज फ्लेम पे रखेंगे। थोड़ा सा कोथमीर डालेंगे, थोड़ा सा करिया पक डालेंगे। 5-7 मिनट में दम पे रखी थी और माशाल्लाह हमारा खाना अच्छे से दम हो गया। फ्लेम को बंद करके साइड में रख देंगे। 1-2 हरी मिर्चें डाल, मिनट में इसको तेज फ्लेम पे बॉईल होने दिया। अच्छे से बॉईल हो गई है। खट्टी दाल को बघारने के लिए मैं ली हूँ 1 टीस्पून भर के जीरा है, 4 रेड ड्राई मिर्ची है, इसको थोड़ा सा तोड़ लेना, नहीं तो ये तेल में डालने के बाद बहुत फटती। 5-6 लहसुन को मोटा मोटा कुचल ली। 1 पैन रख दी, पैन में सबसे पहले जीरा डालेंगे, जीरे को ब्राउन होने देंगे। जीरा ब्राउन होना शुरू हुआ, अब इसमें लहसुन डालेंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे।
कोफ्ते बनाएंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। एक लेमन के साइज के, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं, हल्का सा इसको राउंड करेंगे। हमारे कोफ्ते तैयार है। पैन रख दी, इसमें थोड़ा सा डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया। दो चूल्हों पे मैं दो पैना रखी और दो पैनों पे कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। इससे क्या होता, कम टाइम में हमारा काम हो जाता। और एक साइड होने के बाद साइडों को पलटेंगे। इसके साइडों को पलटते हुए, उलटते पलटते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये दूसरा पैन। हमारे कोफ्ते तैयार है। अब इसको निकाल लेंगे। हमारा दाल और राइस और कोफ्ते, दाल कोफ्ते और राइस, और ये है हमारा गोश्त का अचार। गोश्त का अचार ये घर पे बने हुआ है। ये वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख के बना सकते। माशाल्लाह बहुत जायकेदार बना है गोश्त का अचार। चलिए, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। गोश्त का अचार, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख के बना सकते हैं। तुवर ये खट्टी दाल, वाइट राइस कोफ्ते, वीडियो देखिए और ज़रूर बनाइए। माशाल्लाह सारी चीज़ें ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ अंडे का सिंपल सालन। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये सालन। आप ऐसे वक्त पका सकते हैं आपको जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या आपके पास तरकारी भी नहीं है, गोश्त भी नहीं है और लंच में आपको झटपट बनाना है, तो आप ये सालन ज़रूर बनाइए। बिल्कुल सिंपल है, माशाल्लाह बहुत जायकेदार भी बनेगा। इसके लिए मैं ली हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज और इसको मोटा मोटा रफ कट कर ली। इसमें 1 चाय का चम्मच तेल और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून ली मैं। और मैं ली हूँ कोथमीर है, 1/2 बंच कोथमीर, 1/4 हरी मिर्चियाँ, 2 टेबलस्पून खोपरा। इसको रोस्ट ना करी, इसी तरह से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा करियापाक, कोथमीर, करियापाक, हरी मिर्ची, खोपरा, ये चारों चीज़ों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और जो प्याज है इसका भी पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी मैं इमली ली और इसका मीडियम खट्टा निकाल के रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर है, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर है, 2 टीस्पून लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और 2 टीस्पून नमक। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 4 अंडों को मैं बॉईल कर लिया। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी अंडों की बढ़ा सकते, घटा या बढ़ा सकते। इसको थोड़ा सा इस पर निशाना लगा लेंगे। इसमें नमक मिर्ची और मसाले अच्छे से पहुंच जाए। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाले में। अंडों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ। एक पैन रख दी, इसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाली। अब ये जो मसाला है, अब मसाला डाल देंगे।
अब इसमें थोड़ी सा करियापा के पत्ते डालेंगे और ड्राई मिर्ची डालेंगे, 3 ड्राई मिर्ची डालें, थोड़ा सा करियापा। अब इसको अच्छे से हम भूनेंगे। इसका जो पानी है, पानी अच्छा सूख जाना, इसका कच्चापन जाना, जब तक इसको भूनेंगे। इसको कवर कर देंगे, बीच बीच में ढक्कन निकाल के इसको भूनते जाएंगे। एक 7-8 मिनट में इसको ढाप दे, करीब 10 मिनट बोल सकते हैं आप, ढाप दे और बीच बीच में इसको मिलाते गई, मसाले को भूनते गई। ज़्यादा भी भूनना नहीं पड़ता, इसको जल्दी पक जाता है। और माशाल्लाह ये बहुत जायकेदार होता है गरम गरम राइस के साथ, रोटी के साथ। आप इसको झटपट बना सकते हैं, ऐसे वक्त आप बना सकते हैं जब आपके पास गोश्त, चिकन, मटन या आपके पास तरकारी कुछ भी नहीं है और बनाना है, झटपट आप इसको बना के सर्व करो। अब इसमें जो खट्टा इमली बताई थी उसका मीडियम खट्टा निकाल लिया। अब इसमें एक अच्छा उबाल आने देंगे माशाल्लाह से। इसमें अच्छे से उबाल आ गया और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, ज़रूर बनाइए आप। अब इसमें अंडे डाल देंगे और मुट्ठी भर डालेंगे कोथमीर। कोथमीर से इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा था। 1-3-4 हरी मिर्चों को बीच से स्लिट कर ली। इसमें अच्छा उबाल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा कर दे के इसको कवर कर देंगे। 10 मिनट तक धीमे फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 10 मिनट तक मैं धीमे फ्लेम पे इसको छोड़ दी। माशाल्लाह 10 मिनट हो गए, माशाल्लाह इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही, सारे घर में इसकी खुशबू महक रही। फ्लेम को बंद कर देंगे। सरफेस पे भी इस पर ऑयल अच्छे से आ गया। बिल्कुल मामूली इंग्रेडिएंट, कम इंग्रेडिएंट के साथ हम ये बनाएं और इसका माशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से एक 15-20 मिनट के अंदर ये सालन तैयार हो जाता। आपको जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप इसको बना सकते हैं और इसको बनाकर आप तले हुए गोश्त के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या कोई सब्जी के साथ, फली या भाजी के साथ, पालक की भाजी के साथ भी आपको बना सकते हैं, या कुछ भी नहीं है तो सिर्फ इस तरह से अंडे बॉयल करके भी बना सकते हैं। बिल्कुल कम इन्ग्रीडियंट के साथ आसानी से बनने वाला। चलिए इसको डिश आउट करेंगे। चलिए अंडे का सिंपल सालन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।